जैन साथियों, मैं हलदार चंद्र पांडे, पूर्व एन एस जी कमांडो, भोजपुर फिज कलेक्टिव में आपका स्वागत करता हूं। और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, और इस खुशखबरी को सुनने के लिए आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिए, और पूरे वीडियो को एक एक लाइन को सुनिए ध्यान से कि मैं क्या बता रहा हूँ। NCL के बारे में बताऊँगा, आपका एग्ज़ाम का डेट के बारे में बताऊँगा, और बहुत बड़ी खुशखबरी जो आपके लिए आने वाली है इसके बारे में बताऊँगा। जो चोरी के भरोसे बैठे होंगे उनके बारे में बताऊंगा, जो वेट कम है लड़कियों का वो भी परेशान है उनके लिए भी बताऊंगा, जिन लड़कों का चेस्ट कम है उनके लिए बताऊंगा, जिन बच्चों को अभी रनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए बताऊंगा, जो स्कोर कम कर रहे हैं उनके लिए बताऊंगा। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और पहले हम बात करेंगे आपके NCL और EWS के मुद्दे के ऊपर। देखिए, मैंने कल से पूरा प्रयासरत कर रहा हूँ, मैं और मेरी टीम बिल्कुल लगी हुई है कि आपका NCL का मुद्दा, EWS का मुद्दा जल्दी से जल्दी संभवतः ये सोल्यूशन हो जाए। जो 689 के बच्चों के साथ हुआ, वो 315 बच्चे जो छट गए NCL और EWS के चक्कर में, वो आगे 21,391 में ना हो, तो केवल और केवल भोजपुर फिजिकल एकेडमी की टीम और हमारे बच्चों की टीम और लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि आपका कुछ भला हो जाए। आपका कुछ भला होगा तभी आप जाकर कुछ कर पाइएगा। और आप डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए हैं, यह आपकी गलती है, सरासर गलती आपकी है। अगर आप कहीं भी देखिए तो गलती आपकी है, लेकिन उस गलती को अभी भी आप, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैसेज करके, सर अभी तक हम नहीं बनवाए हैं क्या करें। अरे भैया, तो अब बनवा लीजिए ना, अब क्या है आप लेट कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या आपको घर पर लेटर भेजेगा CSBC, या अभी बनवा लीजिए, आप बनवा लीजिए, रिटर्न की तैयारी भरपूर मात्रा में कीजिए। NCL और EWS को लेके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला हूँ, हक लेना है चैनल का नाम है टेलीग्राम पे, आप उसमें जुड़िए, वहाँ पे हम आवाज़ बुलंद, वहाँ हम बताते हैं कि कैसे स्पीड पोस्ट करना है, क्या नाम भरना है, वो फॉर्म भी मैंने उसमें डाल दिया टेलीग्राम में, आप वहाँ पर आइए, टेलीग्राम पर देखिए, उसको डाउनलोड कीजिए, भरिए स्पीड पोस्ट मुख्यमंत्री के पास, उसके उनका एड्रेस डाल चुका हूँ, कीजिए। आप कीजिएगा तब ना, और आप फोन करके खाली पूछते हैं सर कैसे होगा, सर क्या करें। अरे भैया, तो वीडियो को देखिए, वीडियो को इसीलिए बनाया जाता है। तो NCL और EWS के मुद्दे पे हमारी ये जो बच्ची है खुशबू पाठक, काफ़ी जोर तोड़ों से लगी हुई बेचारी, इसको सलूट है, इनकी इसकी टीम को सलूट है कि बेचारी हर समय प्रयासरत करती है। तो एक भगत सिंह बनने से नहीं होगा, भगत सिंह के साथ सुखदेव राजगुरु भी चाहिए, चंद्रशेखर आज़ाद भी चाहिए, बिस्मिल भी चाहिए, सब कोई चाहिए। आइए, आप सब लोग घर से निकलिए, घर से बाहर निकलिए, खाली एग्ज़ाम डेट कब होगा, एग्ज़ाम कहिया होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या होगा, आप खाली इसके चक्कर में लगे, अब बाकी के चक्कर में कौन लगेगा। अब हम बात करेंगे जिसका चेस्ट कम है, जो लड़के का चेस्ट कम है, आप डेली बेसिस पे 100 ग्राम सातू दूध के साथ, गर्म दूध के साथ 2 से 4 वो केला डालिए, खजूर के साथ उसको सेवन कीजिए। आपको हम विधि बता देंगे वीडियो के माध्यम से, आप वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो डाला हुआ है इसके लिए। चना अंकुरा हुआ खाइए, मूंग अंकुरा हुआ खाइए, आपका चेस्ट कम नहीं होगा। जिसका बच्ची का वेट कम है वो भी इसको इस्तेमाल कीजिए। आप अभी खाना खाने के बाद कम से कम 5 को 6 को केला खाइए, 2 को 4 को संतरा खाइए, खाना भी पच जाएगा और वेट भी इंक्रीज होगा, आपको करना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे उस खुशखबरी के बारे में कि बहुत दिनों से ये चल रहा था, ये प्रशासनिक मामला है, इसमें हम लोगों को बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे चेयरमैन थे सिंगल जी, SK सिंगल जी, ये अभी चेंज हो चुके हैं, और जो मैम थी, जो फायरमैन की देख रही थी, बीच में अपना होम गार्ड की भी डीजी थी, ये चेंज हो चुकी हैं, और ये अभी हमारे CSBC के चेयरमैन के पद पर नियुक्त हो चुकी हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट मैम है, आप देख पिछले देख सकते हैं कि विकास वैभव सर के साथ भी इनका कुछ अनबन हुआ था, और चलिए वो सब प्रशासनिक मामला हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैम का एक ही मोटो है कि जिस भी प्रशासन में रही है उस प्रशासन को बहुत टाइट करके रखती है। तो आप लोग थोड़ा सा इनके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा, गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा कि पीछे क्या हुआ था इनके साथ, इन्होंने कैसे से व्यवस्थाएं क्या की हुई हैं, चाहे उन्होंने होम गार्ड में किया हो, चाहे फायरमैन में किया हो, और फायरमैन की जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे वो बताते हैं कि मैम काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो आप देख लीजिए, CSBC के चेयरमैन बन चुके हैं, तो जितने भी नकलची हैं चोरी के भरोसे बैठे हुए, थोड़ा सा अब आप आ जाइए पढ़ाई वाले मूड, बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम की डेट की घोषणा हो जाएगा। इसी के लिए रुका हुआ था कि ये कब हो मामला, ये मामला सोल्यूशन हो चुका आपका, जो भी आपका पीछे का 21,391 में जो 1 अक्टूबर का जो चोरी का मामला आया था, वो सारे के सारे अब सोल्यूशन हो चुका है। चेयरमैन सर चेंज हो चुके हैं, दूसरे चेयरमैन को बैठा दिया गया है, अब यहाँ से आपका नया किस्सा शुरू हो जाता है। इस नए किस्से को आप बनाना है तो एक तूफान बन के ग्राउंड में उतर जाइए, दौड़िए भी और पढ़िए भी।
दौड़िए भी और पढ़िए भी। अब आप देख लीजिएगा बहुत ही स्ट्रिक्ट आपका एग्जाम होगा, जैसे बीपीएससी क्या होता है उस टाइप का, ये चेयरमैन इतनी स्ट्रिक्ट है, तो चोरी की तो संभावना यहाँ से खत्म कर दीजिए। अब जो बच्चा पढ़ेगा, पढ़ाई के लिए मैं दिन में 9 बजे उसी टेलीग्राम पे, हक लेना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूँ, जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, उस चैनल पर जुड़ जाइए। डेली बेसिस पे 9 बजे मैं मॉक टेस्ट कराता हूँ, फिर उसके बाद रात्रि को 8 बजे इसका मॉक टेस्ट होता है स्टडी मोड वाले चैनल से। आप दोनों का क्वेश्चन मैं उसमें डाल देता हूँ, एक दिन में 9 बजे डालता हूँ, एक रात को 7 बजे डालता हूँ। आप दोनों को मॉक टेस्ट कीजिए, आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, आपका बिहार पुलिस निकलना है, रिटर्न तय है। अब 1,07,000 में आपका स्थान नहीं बनेगा तो कब बनेगा, बताइए। अब बिहार में अगर 1,07,000 में स्थान नहीं बनाइए, अब बोलते हैं बच्चे की चोरी होगा, फिर भी चोरी होगा, आप पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि चोरी होगा मेरा नहीं होगा, तो कहला प्रयास करें, जाइए कहीं सूरत दिल्ली कमाइए, जब आपका दिमाग इतना ही रहती है और चोरी के भरोसे भी बैठे हैं आप और बोल भी रहे हैं कि चोरी होगा, हमारा रिजल्ट नहीं होगा, आज जो बोलता है वही चोरी के भरोसे बैठा हुआ है। तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको बना लीजिए, आप डॉक्यूमेंट को लेकर ज़्यादा टेंशन में ना रहिए, क्योंकि अब ये जो हमारे चेयरमैन हैं ये काफ़ी सुलझी हुई चेयरमैन है, इनका काफ़ी इन सब मामलों में ज़्यादा, ये एग्ज़ाम के मामले में ज़्यादा टाइट है, आपके रिटर्न के मामले में, फिजिकल के मामले में ज़्यादा टाइट है। फिजिकल भी आपका टाइट होगा, रिटर्न भी आपका टाइट होगा। जो भी भरोसे में बैठे हैं भरोसा छोड़ दीजिएगा, ग्राउंड में उतर जाइए, पढ़िए भी और दौड़िए भी। आप नहीं दोनों काम कीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा ना, अगर रिटर्न मान लीजिए निकल जाता है आपका फिजिकल नहीं बनेगा। आप सोचिएगा अगर 30 दिन 40 दिन में फिजिकल बना लेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैक्सिमम, जो मैंने कल बच्चों से बात कराया था आपको लाइव क्लास में, कि बच्चे 1.5 महीना 2-2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3-3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 6 मिनट अभी भी आ रहा है। उनका वेट ज़्यादा था, वो कभी दौड़े नहीं, तो 6 मिनट के ऊपर आ रहा था और 6 मिनट का ऊपर आ रहा है, अब जाके उनका रनिंग बनेगा। तो 3 महीना कम से कम टाइम लगता है आपका रनिंग बनने में, लड़का हो चाहे लड़की हो। बहुत सारी बच्चियां 3-3 महीने से उनका अभी भी 5 के ऊपर लग रहा है, यानी कि देखिए वेट किसी के ज़्यादा होता है, कोई अब कभी प्रैक्टिस नहीं किया होता है तो उसका तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो आप अभी से ग्राउंड पकड़ लीजिए और बढ़िया से दौड़िए और बढ़िया से पढ़िए। पढ़ाई को दौड़ाई से, दौड़ाई को पढ़ाई से कंपेरिजन मत कीजिए, दोनों का मामला अलग है, क्योंकि आपको बिहार पुलिस का सपना है। अरे पास होइएगा तब ना जी कट ऑफ कम पे जाएगा, कट ऑफ कम पे भी जाएगा तब पास तो होना पड़ेगा ना आपको, 20 नंबर 30 नंबर दौड़ में तो लाना पड़ेगा ना, हाई जंप 4 फीट करना पड़ेगा ना, लॉन्ग अपना गोला फेंकना पड़ेगा ना, उसमें भी बहुत सारे बच्चे अभी फंस रहे हैं जिनसे 4 फीट हाई जंप नहीं हो रहा है, जिससे 16 फीट गोला नहीं फेंका रहा है, जिससे अभी तक 6 मिनट का टाइमिंग नहीं टूट रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे कमजोर बच्चे हैं। आपका भी श्रेणी वही है, कभी आइए मंडे को गर्दनी बाग में या यहाँ पर गांधी मैदान में टेस्ट देके देखिए, हमारे ट्रैक पे 320 का ट्रैक बनाया है, आप देखिए कि आपका टाइमिंग कितना लगता है। टाइमिंग जब तक नहीं मारिएगा, बहुत सारे कोच बहुत सारे ट्रेनर आपको उलझा के रखते हैं, टाइमिंग नहीं मरवाएंगे, क्योंकि पता उनको कि बच्चा टाइमिंग मारेगा तो भाग जाएगा। अभी दरोगा का मैंने टेस्ट लिया, मेरे सारे के सारे बच्चे पास हो गए, लगभग सारे बच्चे दरोगा वाले पास हुए। तो भैया मैं तो टाइमिंग लगाता हूँ, हर मंडे को टाइमिंग लगाता हूँ, इसलिए कि बच्चे को कम से कम एक हफ्ता पढ़ा है तो उसको टेस्ट देना चाहिए ना, एक हफ्ता दौड़ा है तो उसको टेस्ट हो जाता है, इससे बच्चे को पता चलता है कि मेरी अब कैपेबिलिटी क्या है, मेरे को और कितना मेहनत करना है। आप कहीं भी तैयारी कीजिए, पूर्ण रूप से कीजिए, भरपूर मात्रा में कीजिए और अच्छे से कीजिए। खाइए खूब, दौड़िए खूब, पढ़िए खूब, तीनों काम को बैलेंस बना के चलिए, आपका नौकरी होगा। आज नहीं होता कल होगा, कल नहीं होता परसों का पक्का होगा। लेकिन लगातार भर्ती आ रही है, आपको पीछे कदम नहीं हटाना है। आपका एग्जाम का डेट बहुत जल्दी मतलब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। तो उस खुशखबरी का इंतजार है तो लग जाइए पढ़ने में और दौड़ने में। हमारे यहाँ छात्रावास सुविधा उपलब्ध है, लड़का लड़की दोनों के लिए, लड़कियों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, काफ़ी नॉमिनल चार्ज है, 4500 रुपया में रहना खाना सब कुछ है। तो 4500 रुपया में अगर आपको यहाँ पर खाना भी मिल रहा है, दौड़ना भी मिल रहा है, पढ़ना भी मिल रहा है, सोना भी मिल रहा है, तो फिर कहीं और क्यों जाना। तो आइए आप हमारा साथ दीजिए, एक कदम हमारे साथ बढ़ाइए, हम आपके साथ 9 कदम बढ़ाएंगे और दोनों मिलाकर 10 कदम पूरा करेंगे और आपका जॉब दिला के मानेंगे। सबसे ज़्यादा बिहार में कहीं अगर मेरिट आता है तो मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री, जिसको भोजपुर फिजिकल एकेडमी ऑब्लिक मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री कहा जाता है, इसमें आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।